शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के जन्मदिन के अवसर पर आज तुर्भे के इंदिरा नगर प्रभाग 73 में कार्यकर्ता सम्मेलन और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने किया था। इस अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे ने सुरेश कुलकर्णी के विकास कार्यों का हवाला देते हुए मनपा चुनाव में नागरिकों से समर्थन देने का भी आह्वान किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तुर्भे के स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने आज इंदिरा नगर में उपनेता विजय नाहटा के जन्मदिन के अवसर पर अभिष्ट चिंतन समारोह और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रभाग 73 में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाएं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई पदाधिकारियों को जिला प्रमुख विठल मोरे के हाथों नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। इस अवसर पर जिला प्रमुख विठल मोरे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सुरेश कुलकर्णी के जनसेवी कार्यों की सराहना की और नागरिकों से समर्थन मांगते हुए मनपा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरेश कुलकर्णी इंदिरा नगर के विकास और समस्याओं को मिटाने के लिए कटिबद्ध हैं और यह होकर रहेगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने जो जो बातें कही, लोगों को जो जो कमिटमेंट की, वो आज देखिए, आज कोविड का 10 महीने का इतना बड़ा प्रेशर होने के बावजूद भी उन्होंने करके दिखाया। 50,000 करोड़ के यहाँ पर उद्योग धंधे उन्होंने लाए। तो ये बात जो अभी यहाँ पर हॉस्पिटल जरूरी है, अभी इतना बड़ा इलाका, तो ये बात तो इसके पहले होनी चाहिए थी। जैसे अभी यहाँ पर जो मांग की गई, तो सुरेश जी ने तुरंत बोल दिया MIDC के यहाँ पर जो जिला परिषद के यहाँ पर जो गोडाउन है उनको ताबे में लेकर शिंदे साहब, अभी देखो पालक मंत्री है और वो नगर विकास मंत्री है, ये पूरा उनका अधिकार है। और जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनको सुरेश कुलकर्णी साहब के बारे में पूरी जानकारी है कि किस तरह का एक कैपेसिटी का कार्यकर्ता है, तो ये बात तो होनी है। दूसरी बात रही यहाँ पर कब्रस्तान और स्मशान भूमि, ये जरूरी है ना। आज यहाँ से 3-4 किलोमीटर लंबा तुर्भे में जाने का, कई बार वहाँ पर लाइन कतार लगाना पड़ता है, तो ये बात तो अच्छी बात नहीं है इस डेमोक्रेसी में। इसके लिए ये जो यहाँ पर मैं खुद बोलता हूँ, इसका जिम्मेदारी मेरा भी है। सुरेश कुलकर्णी ने इसके पहले ही इनके का जो पत्र व्यवहार किया है, मैं उनको सपोर्ट करूँगा और जल्दी से जल्दी ये स्मशान भूमि, कब्रस्तान, हॉस्पिटल और यहाँ पर एक कॉलेज, ये सब चीज़ें जरूर है। इस मंच से युवा नेता हनुमंता चौहान, राजू भाई अबुलेस और राम सिंह समेत कई पदाधिकारियों ने जनता से सीधा संवाद साधा और इंदिरा नगर के विकास के लिए सुरेश कुलकर्णी का हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं खुद सुरेश कुलकर्णी ने इंदिरा नगर की जनता को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगले कुछ महीनों में यहां अस्पताल, शमशान भूमि और स्कूल बनाए जाएंगे ताकि विकास का सही लाभ सबको मिल सके। इंदिरा नगर में पहला तुर्भा नाका से इंदिरा नगर आने के लिए 5 रुपये रिक्शा का सीट पे आते थे। जब से नवी मुंबई म्युनिसिपल महानगर पालिका आई है तभी से सुरेश सेठ उनके कैंडिडेट खड़ा करते, उन्होंने इतना प्रगति किया है कि एक तो बस चालू किया, फिर स्कूल के लिए अलग से बस चालू किया बच्चों लोगों के लिए, उसके बाद में पूरा इंदिरा नगर में पानी की व्यवस्था की, 3 लाख लीटर पानी का टाकी जो बनने जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि झोपड़पट्टी एरिया में किधर भी उतना बड़ा पानी का टाकी हुआ है। या ठिकाणी जो महिलांचा प्रश्न है, सगळ्यात अवघड प्रश्न है कि खरोखर प्रत्येक स्त्रीला आपली जी इज्जत आहे ती, साहेबांनी जो प्रश्न आहे टॉयलेटचा तो प्रश्न सोडवलेला आहे। ती महिला बाहेर जाऊन तिला खरोखर खूप एक प्रकारची भीती निर्माण होती आणि प्रत्येक स्त्रीला आपण आपल्या याच्यात सुरक्षित राहावं आणि तो सुरक्षित हा राहण्यासाठी जो प्रश्न आहे टॉयलेटचा तो प्रश्न सुरेश कुलकर्णी साहेबांनी सोडवलेला आहे आणि खरोखर एवढ्या अमाप संख्येने या ज्या महिला आहे त्यांचा जो आशीर्वाद साहेबांना या पहिल्याच कामामध्ये, खूप मोठं हे काम आहे आणि ते काम केल्यामुळं ज्या माय भगिनींचा आशीर्वाद मिळाला, आत्ताच यानंतरचे सगळेच प्रश्न 100% सुटणार आहे आणि या ठिकाणी ज्या माय भगिनींचा आशीर्वाद लागलेला आहे तो आशीर्वाद भरभरून सगळ्या मतांनी साहेब विजयी होणार, यात काही शंकाच नाही। हमने जो डिमांड की इस जगह पे, जो स्लम एरिया में के जो लोग है वहाँ पर हम लोग को 400-500 रुपये खर्चा करके वाशी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, नेहरू हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उस जगह पे
कुछ ऐसी बात होगा कि जब डिलीवरी का एक महिला जाएगा उनको वाशी भेजते, वाशी से नेरुल भेजते, कुछ जगह पे ऐसा बात भी होगा कि डिलीवरी भी रिक्शे में कुछ महिलाओं का हो गया। इस बात पे हमने वो जगह तय किया कि वहाँ पर जिला परिषद गोडाउन जो खाली पड़ा है, गया 10 साल से मैंने मांग किया उसको, तो पालक मंत्री साहब को मैं लेटर भी दिए, उन्होंने कहा कि हमको तुरंत जिला परिषद का मीटिंग लगा के वो आपको जितना हो सके उतना जल्दी हम वो दे देंगे, वो काम हो गया। रह गए मशान भूमि का, मशान भूमि का तो बात तो अभी आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग को इधर से गाड़ी करना पड़ता है। इंद्रनगर हो, चुनाभट्टी हो, क्वारी परिसर है, जितने भी लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको एक तो जब तक वो काम धंधा नहीं करेगा उनका पेट नहीं भरता है। अगर उस जगह पे 500-600 रुपये गाड़ी को दे के, एम्बुलेंस को दे के वहाँ पर मयत लेके जाना, वो बहुत उनको दिक्कत हो रही है। उस जगह पे अभी महानगर पालिका ने 100 करोड़ रुपये दे के आज जगह ली है, उस जगह बहुत सारी जगह खाली है। उस जगह पर हिंदू लोग के लिए थोड़ा मशान भूमि और दफन भूमि मुस्लिम समाज के लिए अगर हो जाएगा तो उसका भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये भी काम आदरणीय पालक मंत्री के माध्यम से ये 101% हमको काम करना है और वो करके लेगा 5-6 महीने में, ये हमारा वादा रहेगा। इसमें ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।